इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास तीन फंक्शन है, 2x स्क्वायर, 3 साइन एक्स और 5 रूट एक्स है। चूँकि तीन फंक्शन है और इंटीग्रेशन जो होता है आपका लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इन तीन फंक्शन के सम को न इंटीग्रेट करके हम सेपरेटली इंटीग्रेट करके उनका सम या डिफरेंस देख लें, जो भी है। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से ये आपके पास एडवांटेज है कि आप इंडिविजुअली आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, 3 साइन एक्स डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, जो आपके पास हर इंडिविजुअल क्लस्टर आ चुका है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, बशर्ते थोड़ा सा और रिफाइन कर लीजिए, कांस्टेंट जो है ये बाहर चला आएगा। ठीक है, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाते हैं। 3 यहाँ भी आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, ये रेडिकल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, पावर 1/2। अब हर आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रल फॉर्म में पहुंच चुकी है एक्सप्रेशन। तो चलिए फॉर्मूला प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 2+1 मतलब 3/3, -3 साइन का क्या होता है आपका, कॉस। तो ये याद रखिए कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो अगर आंसर सी से आ रहा है तो सर्टेनली वो निगेटिव होगा, माइनस कॉस लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स और प्लस 5 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2+1 मतलब 3/2 और नीचे 3/2 मतलब 2 आपका ऊपर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा और मैनेज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस का 10/3 एक्स की पावर 3/2 और फाइनली ये इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल।